अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आवेद रहमानी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हॉक्स बे सी की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समुंदर में जो है हवा शमाल से जनूब की तरफ चल रही है और जिसकी वजह से फ़िलहाल तो समुंदर में लहरें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, लेकिन किनारे की तरफ लहरें बहुत ज़्यादा हैं। और 29 अगस्त 2024 की रात को कमिश्नर कराची ने समुंदर पे शिकार के लिए जाने के पर पाबंदी लगा दी है। समुंदर में नहाने के लिए और पिकनिक के लिए आने वालों पर पाबंदी लगा दी है 31 अगस्त 2024 तक के लिए। तो क्योंकि यहाँ जो साइक्लोन असनास तूफ़ान के नाम से एक तूफ़ान बन रहा है, जो तो उसकी वजह से ये सारी पाबंदी लगाई गई है। समुंदर में ख़तरा है और जो आएंगे लहरें तेज़ होंगी, जैसे ही ये समुद्री हवा समुंदर की तरफ से शमाल की तरफ जब चलना शुरू होगी तो ये लहरें बहुत तेज़ हो जाएंगी। फ़िलहाल इतनी तेज़ लहरें नहीं हैं जितनी तेज़ जो है समुंदर की हवा के साथ। अभी समुंदर की मुखालिफ सिमत हवा चल रही है इस टाइम पे, तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा, आप साथियों कहूँगा कि कोशिश करें कि पिकनिक पर ना आए, शायद आपको पुलिस वाले फिर तंग करें। तो बहरहाल जो आने वाले हैं वो फिर आगे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ताज़ा अपडेट जाके समुंदर के किनारे पे शेयर करूं, आप भी देख सकें। सुबह 8 बजे का टाइम है और आज 30 अगस्त 2024 जुमे का दिन है। समुंदर की लहरों को आप अपनी आंखों से देखें क्या पोजीशन है। समुंदर में तूफ़ान असना, जिसका नाम असना रखा गया है, ये तूफ़ान आने का अंदेशा है, जो इस टाइम पर आज सुबह तक 200 किलोमीटर दूर कराची से है। और इसका अंदेशा यही है के ठट्टा बदीन के इलाकों में और कच्छ रन ऑफ कच्छ के इलाकों में ये टकराने का ख़तरा है, बल्कि ज़्यादातर यही चांस है इंशाल्लाह ताला कि ये पानी के अंदर ही डिप्रेशन की सूरत अख्तियार करके पानी के अंदर ही ज़म हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से समुंदर में जो है हलचल है और समुंदर की लहरें आप देख रहे हैं। सुबह से हवा बहुत तेज़ है और कल रात तक की हवा की जो रफ़्तार थी वो 50 थी। आपने यहाँ आने से गुरेज करना है, ख़ास तौर पे कल रात तक 12 बजे तक की पाबंदी। अब देखते हैं इसको आर्डर को बढ़ाया जाएगा या ये ख़त्म होगा, तो जो भी अपडेट होगी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगा। ये वही इलाका है, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में आप लोगों को नज़र आता है ये इलाका। तो बात साथी मेरी वीडियोज़ को जब देखते हैं इन दिनों में तो कहते हैं डेड सी है, डेड सी का ये इलाका नहीं है, ये माड़ीपुर कराची पाकिस्तान का इलाका, कक्का विलेज जो है ये कक्का विलेज का इलाका है, इसे सेंसपीड भी कहते हैं, पुराना नाम हम सेंसपीड के नाम से ही जानते हैं इसको। तो मैं अब जो है ये अपडेट शेयर करके आपके लिए मैं दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर रहूँगा नमाज के बाद शाम को। पानी इस टाइम पे ऊपर है, हाई टाइड लगा हुआ है, पानी नीचे हो जाएगा उस टाइम तक, लेकिन क्या पोजिशन होगी समुंदर की और जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ जो है 3 बजे आऊँगा, 3 बजे आकर अपडेट लेकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।